शुक्रिया नासिर साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि आज मुझे लगता है 2004-05 में ये कटिंग हुई थी। जहाँ पर हम इस वक्त बैठे हैं ये है सोठा पंचायत, जो कि 16 साल के बाद यहाँ पर आज ये आपको ब्लैक टॉप देखने को मिल रहा है। इसमें डायरेक्ट जो मोदी सरकार का इसमें जो हाथ है और यूटी जैंड के अपने सेना साहब का हाथ है, और हमारा खासकर इस इलाके का एक बड़ा बर्निंग इशू था, क्योंकि 16 साल से इस एक रोड पर चलना इतना दुश्वार था कि मैं कहता हूं यहां पर जब भी हम आते थे तो हमें खुद शर्म आती थी रोड पर आते हुए कि हम किस रोड पर जा रहे हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आज हम गर्व से बोल रहे हैं कि ये मोदी सरकार की वजह से ये काम इस वक्त तेज़ी से चल रहे हैं, जिसका क्रेडिट मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं कि हमारे चीफ इंजीनियर रिटायर्ड जो सतपाल मन्हास जी हैं, जिनके होते हुए इस रोड को काफ़ी दुश्वारों का सामना करना पड़ा, इनकी वजह से इसको इन्होंने इसको फिर दोबारा रीटेंडरिंग 16 बार इसकी रीटेंडरिंग हुई है इस रोड की। लेकिन जब इन्होंने चीफ इंजीनियर होते हुए इसका थोड़े इसमें स्टडी किया तो कोई रास्ता निकाला, फिर इसमें रेट रिवाइज हुए, तो इसके कारण ये इनका बहुत बड़ा हाथ है। और मैं आज इस पूरे इलाके को, खासकर केलाड़ के इलाके को, यहाँ पर मुझे लगता है इस रोड से 12,000 लोग जो कि इस वक्त इस सड़क ना ब्लैक टॉप ना होने की वजह से बड़ी परेशानी में थे, लेकिन आज जबकि ये काम शुरू हो चुका है तो मैं इस इलाके को सब धन्यवाद देना चाहूँगा। खासकर हमारी बहन सरपंच जो है किरणा जी यहाँ की है, सोठा पंचायत की, हमारा रमेश सरपंच जी जो कि यहाँ डुगली बी से हैं, और हमारे काशीनाथ जी जो खरानी पंचायत से, हमारे तीनों सरपंच साथ में हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ कितने लोग इकट्ठे हुए और लोगों में एक जज्बा और जोश है। और मजीद जो है क्या समझते हैं, क्या कहेंगे आप, क्योंकि ये आप 9 किलोमीटर की ब्लैक टॉपिंग हो रही है, तो बाकी की ब्लैक टॉपिंग का जो है क्या प्रोग्राम है? देखें सर, बिल्कुल ठीक है, आप ठीक बोल रहे हैं। ब्लैक टॉपिंग का मसला यह है कि यहाँ तक रोड बिल्कुल ठीक है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ ठेकेदार ने अपनी रोड को ठीक करके रखा है, और हम चाहते हैं जितनी रोड इस वक्त ठीक है उस पर ब्लैक टॉप की जाए। ये बीरू बस्ती टू डुगली रोड जो है ये इसके नाम से चलती है, और ये मुझे लगता है ये सितंबर के महीने में इस रोड को पूरा जो है 9 किलोमीटर ये कर देंगे। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपनी मसरूफियात के बावजूद यहाँ पर आए और इस इलाका केलाड़ के अंदरूनी हिस्से में आके आपने देखा कि यहाँ पे सड़क जो है कितनी इम्पॉर्टेंट थी। और जैसा कि हमारे भाई युद्धवीर ठाकुर जी ने, जो यहाँ के डीडीसी काउंसलर भी हैं, उन्होंने बताया कि कितनी बार इसके टेंडर हुए, इत्फाकन से खुशकिस्मती समझिए, मैं उस टाइम चीफ इंजीनियर था और मैंने इसको अलाट किया, जो है इसका स्टेज टू का जो टेंडर अलाट किया। हालांकि 13 बार इसमें कोई भी कंट्रैक्टर आ नहीं रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने बड़ी कोशिश करके किसी तरीके से अभी जो कंट्रैक्टर काम कर रहे हैं उनको हम ये काम अलाट करने में कामयाब हुए, और उसका नतीजा ये हुआ कि आज जो है हमारा ब्लैक टॉप, ये जो 11 किलोमीटर बीरू बस्ती से डुगली जो रोड है, ये 11 किलोमीटर का टोटल प्रोजेक्ट है। अभी 5.5 किलोमीटर का जो है कंट्रैक्टर ने जो है बिल्कुल सरफेस तैयार की हुई है, और जिसमें बिटुमिनस मैग्नम जो है ये आज शुरू हुआ, और इसके बाद ही जो अगले जो 5.5 किलोमीटर हैं वो सितंबर 15 के बाद ही ये आगे का भी काम शुरू करेंगे, और इनका टारगेट है कि ये अक्टूबर के एंड तक जो है ये 11 किलोमीटर जो है पूरा जो है करेंगे। तो इलाके की बड़ी खुशकिस्मती है कि आज जो है काफ़ी मुद्दत के बाद जो है लोग जो हैं अपनी छोड़ गए थे आस, लेकिन आज लोगों को भी हिम्मत आई कि आखिर जो है कंट्रैक्टर के थ्रू PMGSY डिपार्टमेंट ने इस काम को जो है शुरू किया है, और अब हमें उम्मीद है कि अब लोगों की जो एक बहुत देरीना डिमांड थी सड़क की, PMGSY के तहत ये सड़क आप देख रहे हैं कि कितनी गुंजान आबादी है इस इलाके केलाड़ की, बहुत सारे लोगों को मुश्किल आ रही थी, आज जो है उनकी मुश्किल का जो है अजाला हुआ है। तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं महकमे के और सरकार के, मोदी गवर्नमेंट के, कि जिन्होंने सेंटर से जो है ये प्रोजेक्ट जो है सेंक्शन करके यहाँ के लोगों की देरीना जो डिमांड थी उसको पूरा किया। आज मैं अपनी रिटायरमेंट के बाद जो है लोक सेवा में हूँ, और मैं BJP का J&K UT का जो हूँ को इंचार्ज हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल प्रोग्राम्स एंड मीटिंग्स का, उस नाते से भी, और यहाँ का लोकल भी हूँ उस नाते से भी, मैं भारत की सरकार
मोदी गवर्नमेंट जी और जो है हमारी स्टेट जो है हमारी यूटी जो है उनको भी जो है लीडरशिप है जो सरकार है उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक कि आज जो है काफ़ी देर के बाद लोगों की जो है डिमांड जो है ये पूरी हो गई। यही एक बहुत बड़ी बर्निंग डिमांड थी यहाँ की और आज लोग जो हैं हमारे साथ यहाँ पे बहुत खुश हैं। यहाँ पे हमारी सरपंच जो हैं मैडम किरणा जी भी हैं, हमारे दुगली बी से जो सरपंच हैं रमेश जी वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, खलेनी से काशीनाथ चोपड़ा जी सरपंच जो हैं खलेनी के वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और ये सड़क जो है डायरेक्टली जो है चार पंचायत में से गुजरती है और चार पंचायत की जो पॉपुलेशन को इसका डायरेक्ट बेनिफिट है और उसके अलावा ही दो तीन और जो हैं गांव आए दाएँ बाएँ हैं जिनको इसका फ़ायदा होता है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार और मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ जो आप यहाँ पे मौके पर आए और मैं हमारे डीडीसी मेंबर युद्धवीर सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं और हमारे सतपाल सर जी हैं मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करती हूं और यहां पे आए सभी सरपंचिस का और पूरी अम्माम पब्लिक का मैं वो भी उनका हार्दिक स्वागत करती हूं। तो आज हमारी पंचायत में पूरे 16 साल के बाद हमारा रोड जो आज ब्लैक टॉपिंग होने जा रहा है तो पूरे पंचायतों में बहुत ही खुशी की लहर है और इस रोड पे ना कि एक पंचायत बल्कि हम चार पंचायतें इस रोड पे फॉल करती हैं जो कि आज तक इस रोड के बिना हम बड़ा दिक्कतों का सामना कर रहे थे। अगर कोई बीमार भी हो जाता था तो उसको पालकी में डाल के तो फिर उसको भाला तक ले जाया जाता था, लेकिन अब बहुत ही खुशी की बात हो रही है कि यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग हो रही है और सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मोदी जी का जिन्होंने गाँव-गाँव को सड़क से जोड़ने का एक जो जरिया बनाया है रोड जो वो आज हमारी पंचायत में बनने जा रहा है तो हम सारे बहुत खुश हैं और मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी।